नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय यादव। बुंदेलखंड के झांसी को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन भले ही लाख प्रयास कर रहा हो, लेकिन उन प्रयासों को किस प्रकार मजाक उड़ाया जा रहा है, इसका उदाहरण झांसी जिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ अव्यवस्थाओं के कारण तीमारदार अपनी हिम्मत हार गए हैं और अब वह सीधे सीधे अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिर इस वीडियो के मुताबिक कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ महिलाएं व बच्चे नजर आ रहे हैं। यह महिला झांसी के गरौठा में रहने वाली बताई जा रही है। वीडियो के मुताबिक यह मामला झांसी जिला अस्पताल का है। महिला वीडियो के माध्यम से जिला अस्पताल के वार्ड की व्यवस्थाओं को उजागर करते हुए प्रशासन से मदद मांग रही है। महिला का कहना है कि उन्हें पैरामेडिकल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां अव्यवस्थाओं के कारण वह झांसी जिला अस्पताल आई। यहां तो और अधिक अव्यवस्था हावी है। यहां ना तो उन्हें भोजन मिल रहा है और न ही पानी। प्यास से उनका और उनके बच्चों का बुरा हाल है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। मजबूर होकर वह बाथरूम के नल का पानी अपने बच्चों को पिला रहे हैं। यदि उनके बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। झांसी से संवाददाता विपिन सिंह की रिपोर्ट। नहीं दे रहे और बच्चों को मैं बाथरूम में से पानी पिला रहा था। बच्चे हमारे आज 4 घंटे से पानी के वहाँ पैरामेडिकल से निकले हुए हैं, वहाँ से हमें पानी तक अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। अब देख के आखिरकार हमें बच्चों को बाथरूम का पानी पिलाना पड़ रहा है। हम तो सब कुछ झेल सकते हैं, हमारे बच्चे देखिए जरा, प्यासे बच्चे खड़े हैं। बताइए क्या करें हम अपने बच्चों को यहाँ मार देंगे। मेरी लड़की आज 3 घंटे से पानी नहीं पिया, बताइए क्या करें। हम लोग के साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे हम लोग खून करके निकले हैं और हम लोगों ने किसी को कतल करके निकले और हमें जेल में डाल दिया। अरे जेल में भी सुविधाएं होती हैं, हम लोग कुछ हम पहले पैरामेडिकल में झेल के आए, लगा था कि सिविल में हमें कुछ सुविधाएं मिलेंगी, अब कुछ नहीं सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ तो और पानी नहीं दे रहे और बोल रहे आ रहे हैं। इतनी गर्मी में पानी तो देखिए, जो मैं कह रही हूँ एक बोतल पानी आप दूर रख दीजिए, मेरे बच्चे पी लेंगे, पर वो नहीं कुछ रहे, आ रहा है पानी, व्यवस्था हो रही है व्यवस्था। अरे बच्चों में तो तरस खा, अगर कुछ हो गया पानी पानी के चक्कर में क्या होगा बताइए। मेरे भाई डला है, मेरी माँ डला है, मैं सब कोऑपरेट कर रही हूँ। मेरी बच्ची इधर बेटा है, इस लड़की का क्या है, इन लोगों ये सबकी निगेटिव है, इन सबकी रिपोर्ट निगेटिव है। इनके साथ इतना दूर व्यवहार, इनको दूर भगा रहे हैं कि आप जाइए जाइए यहाँ से जाइए, बच्चों को दूर भगा रहे। अरे पानी दे दो, पानी नहीं देने तो फिर एक ही दम मार दे। तीन बज रहे हैं आज, हमने अभी अन्न का कोर नहीं देखा, हमने खाना नहीं बनाया, हमारे बच्चों ने खाना नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। चार 3 बजने वाले हैं, जो बीमार हो गए हमारे मम्मी या मेरा भाई उनको आप रखिए, लेकिन जो बीमार नहीं है उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हम 3 दिन में बीमार हो गए, मेरी ऐसी हालत हो गई, ऐसी थी क्या मैं, लेकिन मेरी ऐसी हालत है, क्या करें। हमें ऐसा खाना मिल रहा वहाँ कुछ नहीं, ना साबुन ना सोडा ना कुछ भी, बच्ची को दूध नहीं है, बच्चों को दूध।